भारत समेत पूरी दुनिया में हर साल 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाया जाता है। कई देशों में तो इस दिन की छुट्टी भी होती है। ये एक ऐसा दिन है जब लोग एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं, उन्हें बेवकूफ बनाते हैं और फिर उन पर हंसते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इस दिन को मनाने के अलग अलग तरीके भी हैं। जैसे फ्रांस, इटली, बेल्जियम में लोगों के पीठ पर कागज़ की मछली चिपकाने का रिवाज है, इसे अप्रैल फिश भी कहते हैं। किसी को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, लेकिन एक बात हर जगह समान है, वो है दूसरों को बेवकूफ़ बनाकर उन पर हंसना। ऐसा प्रचलन है कि इस दिन किए गए मजाक का कोई बुरा नहीं मानेगा। क्यों मनाते हैं अप्रैल फूल डे? लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये दिन आखिर मनाया ही क्यों जाता है? क्यों हर साल पूरी दुनिया 1 अप्रैल को अप्रैल फूल डे के रूप में मनाती है? इसका इतिहास क्या है? 1 अप्रैल को हम अप्रैल फूल के रूप में क्यों मनाते आए हैं? इसका कोई ठोस सबूत नहीं है, ये अब भी एक रहस्य है। लेकिन दुनिया भर में इसे लेकर अलग अलग कहानियां और कारण बताए जाते हैं। इतिहासकारों के बीच कुछ सबसे प्रचलित कारण हम यहाँ बता रहे हैं। पहला कारण, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि अप्रैल फूल का इतिहास आज से करीब 438 साल पुराना है, जब 1582 में फ्रांस ने जूलियन कैलेंडर को छोड़कर ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाया था। जूलियन कैलेंडर में नया साल 1 अप्रैल को शुरू होता था, जबकि ग्रेगोरियन कैलेंडर में ये 1 जनवरी पर शिफ्ट हो गया। कहा जाता है कि कैलेंडर बदलने के बाद भी कई लोग इस बदलाव को समझ नहीं पाए, वो 1 अप्रैल को ही नया साल मना रहे थे। उनका सेलिब्रेशन मार्च के अंतिम सप्ताह से ही शुरू हो जाता और 1 अप्रैल तक चलता था। इस कारण वो मजाक का पात्र बन गए और उन्हें अप्रैल फूल कहा जाने लगा। दूसरा कारण, कुछ इतिहासकारों ने अप्रैल फूल डे को हिलेरिया से भी जोड़ा है। ये एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब होता है आनंदित, यानी कि जॉयफुल। हिलेरिया प्राचीन रोम में वहाँ के एक समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार रहा है। इसे मार्च के अंत में मनाते थे, जिसमें लोग किसी दूसरे इंसान का वेश बनाकर दूसरों को बेवकूफ़ बनाते थे। तीसरा कारण है, अप्रैल फूल डे को वसंत विशुष से जोड़कर भी देखा जाता है। इसकी थ्योरी कुछ इस प्रकार दी गई है कि इस वसंत का पहला दिन होता है, खासकर उत्तरी गोलार्ध में। ये वो समय है जब प्रकृति अपने बदलते रूप और रंगों से लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। टीम लोकल वोकल।